ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कितनी तरह की डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, जिसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है। और लीनियर इक्वेशन जो है वो कौन सी होती है कि जिसके अंदर वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज एक्स इज 1, एंड इन क्वाड्रेटिक द हाईएस्ट पावर इज 2, एंड जो क्यूबिक होती है उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज वेरिएबल इज 3। ठीक है, और हर एक अलग तरह से रिप्रेजेंट होती है। लीनियर अगर इक्वेशन को ग्राफ में ड्रॉ किया जाएगा तो इट विल गिव अस अ स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक हमें जो है वो दो तरीके के पैटर्न्स देती है, इससे हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। क्वाड्रेटिक से जो है वो दो तरह के पैटर्न्स होते हैं, या तो जो है वो स्माइली फेस होता है या फिर जो है वो सैड फेस होता है, और ये हम इंशाल्लाह अभी अगले एक एग्जाम्पल्स में देखेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अब हम इसकी तरफ आ रहे हैं, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। देखिए बेटा, अब लीनियर इक्वेशन की फॉर्म, जिस फॉर्म में हमें गिवन होगी लीनियर इक्वेशन, पहले तो हम वो हमें इक्वेशन आइदर इस फॉर्म में हो सकती है, जो इक्वेशन हमें गिवन हो ना, लेट्स से 2x+y इक्वल्स टू 3। नाउ दिस इज द इक्वेशन, इट्स लीनियर बिकॉज द वेरिएबल पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को, वाई इज इट लीनियर? जी सर बेटा, कि अगर मैं इस तरीके से ये लिखूं, लेट सपोज आई एम गिविंग यू एन इक्वेशन और आपको ये पहचानना है कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, आप ये बता सकोगे कि कौन सी लीनियर है कौन सी क्वाड्रेटिक है? नहीं तो सर ये क्वाड्रेटिक है। ये फर्स्ट वन इज लीनियर एंड द सेकंड वन इज या इट्स क्वाड्रेटिक, ये बात क्लियर है? जी ठीक है, अब जब ये बात क्लियर है आप लोगों को, तो बेटा अब आपने क्या करना है, अब मुझे अगर इस लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना है ऑन द ग्राफ, ठीक है, तो ये कैसे किया जाएगा, ये है असल आज जो हमने काम करना है। सर हम सो पहले मैं बेटा वाई वही बता रहा हूँ, देखो ग्राफ में अब इसको कैसे शो करना है, अब हम उसी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका तरीकेकार ये होता है दैट वी नीड एटलीस्ट, देखो पॉइंट्स गिवन हो या ना हो, ठीक है, ये बात जहन में रखना, जाजा और मैं ऐसा दोनों को समझा रहा हूँ कि पॉइंट्स गिवन हो या ना हो, अगर एक इक्वेशन गिवन है देन वी कैन प्लॉट इट इन द ग्राफ। हाउ? वी जस्ट नीड टू और थ्री पॉइंट्स, मिनिमम थ्री करें, और अगर जो है वो थ्री के अंदर कोई एक पॉइंट आगे पीछे हो जाए, लाइन फॉर्म ना हो रही हो ग्राफ में, तो आप फिर एक और पॉइंट उसी इक्वेशन से निकालें, तो टोटल फोर पॉइंट्स आप इक्वेशन से बनाएं, एंड दीज फोर पॉइंट्स कैन जो है वो उनको फिर आपने प्लॉट करना होता है इन द ग्राफ। कैसे करते हैं वही चीज़ अभी हम आगे समझेंगे। ऐसा नहीं आ जी बेटा, समझ में नहीं आ रहा सर। बेटा अब आपने मुझसे पहले क्या पूछा था? ये वैल्यूज अभी भी होती है मैम, मुझे उसके अंदर पुट करनी होती मैं है। यही आपसे कह रहा हूं बेटा, अभी आप जरा उन क्वेश्चंस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए जो आपकी बुक में है, ठीक है, फिलहाल ये समझो कि इफ दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज गिवेन, तो आपको उस इक्वेशन को ग्राफ में कैसे शो करना है ये आपको समझना है अभी फिलहाल। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ गई सर। बेटा तो बस अब आप ये समझ लें बात को, फिर आप जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा आप उसको खुद अपनी मर्जी से चेंज कर सकेंगे। देखो ओ लेवल मैथ्स की खासियत यही है कि इसके अंदर आपको टॉपिक समझना होता है, आपको क्वेश्चंस का रट्टा नहीं लगाना होता।
तो इस बात को बिल्कुल जो है ना वो जरा आराम से समझें कि आपको करना क्या है, ठीक है। हमें हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है, 2x + y = 3, इट कैन बी इन एनी ऑफ द फॉर्म, यानी जिसके अंदर बस एक्स और वाई की पावर जो है वो 1 होगी ना, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। और लीनियर इक्वेशन से आपको अगर इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, और यू हैव टू, या इसके बजाय ये कहा जाए कि आपको इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ अगर आपको ये लाइन करनी है तो यू नीड, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, हम इस इक्वेशन से 3 या 4 पॉइंट्स बनाएं। वो पॉइंट्स कैसे बनते हैं वो समझे बेटा जल्दी से। उसका तरीकेकार ये होता है कि भाई आपने क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा से कॉपी किया और फिर इसको अरेंज कर लिया। कैसे अरेंज करेंगे, आप इसको अरेंज कर लेंगे किसी भी एक वेरिएबल की शक्ल में, जैसे यहाँ पर हम, y=3 - 2x। जी बेटा आपने एक वेरिएबल जो है वो सिंगल कर लिया इसमें से, बस ये आपने कर लिया। अब आपके पास ये, इसको अलग-अलग से इक्वेशन बना दिया, अब इसके अंदर आप एक्स की कोई भी वैल्यू खुद से इमेजिन करके वाई की दूसरी वैल्यू बना सकते हैं बेटा, ये है असल टारगेट। समझ आ रही है बात, यानी एक्स की जगह आप यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, -2 भी, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं बेटा। सर हमें तो कैसे पता चले यही करेक्ट वैल्यू है? बेटा सारी वैल्यूज ही करेक्ट होंगी, समझ आ रही है बात। बस ओ आपने अच्छा एक काम ओके। ये करना है कि इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास जो आंसर आ रहा हो ना वाई का, वो होल नंबर फॉर्म में आए, ठीक है, ओके यानी जी इंटीजर सर। में आए, कोई फ्रैक्शन ना बन रही हो, कोई डेसिमल में ना आ रहा हो, ठीक है। दिस इज अवर मेन टारगेट। तो अगर मैं एक्स की जगह 0 रख दे रहा हूँ, लेट सपोज मैंने जो है वो इफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3 - 2, और एक्स की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। थ्री क्लियर है ये बात। तो ये हमारे पास एक्स इक्वल टू 0 पे वाई 3 आया है, इट लेड अस टू अ पॉइंट, और वो पॉइंट क्या दे रहा है हमें, ये ग्राफ का एक पॉइंट बन रहा है कि x 0 और y 3। समझ आई बात। इस तरह से आपने टोटल हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव टू मेड, 3 और 4। नाउ पुट x = 1, y विल बी, यस सॉल्व किया आपने बेटा, बताओ क्या आ रहा है भाई। सर 1। भी दोनों पार्टिसिपेट करो, सुजाजा आप भी बोलते रहो, मुझे पता रहे कि आपको समझ में आ रही है बात या नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये आपने दूसरा पॉइंट बना लिया। आपको टोटल 4 पॉइंट्स बनाने हैं, कोई भी वैल्यू रखो, मसला नहीं है। सर जी मैं आपसे बस एक सवाल है कि इधर ही वैल्यूज आनी चाहिए ना होल नंबर में, ये आंसर होगा ना अब तो एग्जैक्ट? ओके अब एक्स की जगह क्या वैल्यू रखें बताइए, कोई 2 रख 2 रख दें। दो। चलें वाई की जी वैल्यू सर क्या आ रही है, -1 शाबाश।
तो हमारे पास अब अगला पॉइंट क्या हो गया? हमेशा पहले एक्स जो रखना है, बाद में वाई माइनस रखना है, वन। ठीक है? ये 3 पॉइंट्स आ गए। अगर ग्राफ में प्लॉट करते वक्त इनमें से कोई भी पॉइंट लाइन से आगे पीछे हो रहा हो तो फिर आप एक चौथा पॉइंट भी बना लीजिए। वैसे तो एहतियातन आप ये काम करें कि चौथा पॉइंट खुद से पहले ही कंसिडर कर लें। जैसे मैं -2 या -1 ले लेता हूँ। चले एक्स इक्वल्स टू -1, वाई क्या आ रहा है? सही है, फाइव, तो एक्स यस माइनस सर। वन पे वाई 5 आ गया। नाउ आई हैव दिस होल 4 रीडिंग्स एंड आई हैव टू प्लेस दीज रीडिंग्स इन द ग्राफ। अब इसको कैसे करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आप एक टेबल सा फॉर्म कर लें जिसके अंदर आप एक्स और वाई सारे जो है वो प्लॉट कर दें। इस तरीके से एक टेबल बनाएं, ठीक है? और हर एक्स पे वाई की वैल्यू क्या आ रही है वो आप उसमें जो है वो बना दीजिए। जैसे ये x 0 पे y 3 था तो 0 3, 1 पे 1 था, 2 पे -1 और -1 पे 5। सही है। किस तरीके से आप जो है वो क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये टेबल आपको किस पे ड्रॉ करना होता है? आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना होता है। आपने ये ड्रॉ कर लिया लेट सपोज। अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप ना अपने पास एक ग्राफ पेपर लेंगे, ठीक है? मैं मेरे पास तो मैंने ये इसकी थीम ही पूरी ग्राफ पेपर वाली ही रखी हुई है, तो मैं इसी पे इसको कर दूंगा। अब आपके पास जो ग्राफ पेपर होगा ना उसके अंदर किस टाइप के होंगे? आपके पास वो उसमें पांच पांच के ना वो बने हुए होंगे, छोटे बॉक्सेस से बड़े बॉक्सेस बने होंगे 5 5 करके। ऐसा होगा या नहीं? आपने देखा होगा उसके ऊपर हर 5 बॉक्सेस के बाद एक डार्क हुआ हुआ होता है, बोल्ड हुआ हुआ होता है। जी सर, देखा है देखा वो है। 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद का जो वो होता है ना उसको हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं, क्योंकि वो अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है आपके स्केल के, ठीक है? तो आप लोगों को अपनी बुक में जो वैल्यूज प्लॉट करनी है यानी ग्राफ पेपर पे, वो इस चीज़ को देखते हुए करनी है कि भाई हमारे पास उस पेपर के ऊपर जो भी पॉइंट्स आए वो विजिबल हो जाए। अगर मैं, जैसे मेरे पास ये इतना बड़ा रीजन है जो आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड अभी इस पे स्क्रीन पे, अब इस रीजन में मैं अगर एक छोटे बॉक्स को 1 मान लूंगा तो मेरे पास जो रीडिंग्स हैं वो टोटल एक्स पे कितनी है, 0 1 2, इतनी छोटी छोटी रीडिंग्स हैं, है ना? 2 तक जा रही है मैक्सिमम। अगर मैं एक्स एक्सिस पर और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर मैं एक स्मॉल बॉक्स को 1 मानूंगा तो बेटा वो तो इतने से हिस्से में सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 सेंटीमीटर यानी कि 5 बॉक्सेस को मान लेता हूँ किसके बराबर, इक्वल्स टू 1। तो इस चीज़ को जो मैं खुद से कंसिडर कर रहा हूँ ना, इसको स्केल के तौर पे हमारे पास लिखना पड़ता है ग्राफ के टॉप पे कि मैंने क्या किया, ऑन एक्स एक्सिस फाइव स्मॉल बॉक्सेस। अच्छा, मैं यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्सेस लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस भी हमारे पास जो रीडिंग है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक जा रही है, तो इसमें भी सेम ही कर लें, ठीक है? भाई हम ये एनालाइज करते हैं इसको देख के रीडिंग्स को कि इसकी मैक्स वैल्यू कहाँ तक जा रही है। अगर इसकी मैक्स वैल्यू बहुत बड़ी होती तो हम
फिर इसको क्या करते, फिर हम इसके स्केल को छोटा कर देते, यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर नहीं मानते हम इसको, जो है वो इक्वल टू 2, 3, 4 जो भी हमारे पास सूटेबल होता हम उस पर कर देते। अभी फिलहाल हमारे हिसाब से ये स्केल बिल्कुल सेट है। तो अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को प्लॉट करने के लिए पहले स्केल के हिसाब से, जैसे ये 5 बॉक्सेस पर 1, नेक्स्ट 5 बॉक्सेस पर 2, उसके बाद नेक्स्ट 5 बॉक्सेस पर 3, इसी तरह यहाँ पर -1 -2 -3, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे, 1 2, ये मैंने सेकंड वाला शायद गलत बना दिया, हो गया। थ्री यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर तकरीबन 5 आएगा अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये हमारे पास टोटल 3, ठीक है। ये मैंने ग्राफ पे इसी तरीके से काम करना होता है। अब ये मैंने बना लिया है, अब क्या करना है, वैल्यूज प्लॉट करनी है। 0 x 0 पर क्या है, वाई की वैल्यू 3। 0 ये पॉइंट होता है बेटा, ठीक है। तो अब हम एक्स में 0 ट्रेवल कर रहे हैं और वाई में हमें 3 जाना है, तो वाई 3 कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज 0,3 पॉइंट। ये प्लॉट समझ में आया किस तरीके से किया है बेटा हमने। जी सर, आप इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करना है 1 पे 1, तो यहाँ से देखो x पे 1 और y पे 1, तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पर मिल रहे हैं, दिस इज द पॉइंट, दिस विल बी कॉल्ड एज 1,1। सिमिलरली 2,-1, सो 2 पर x इज 2 एंड y इज -1, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा। एंड नाउ -1 पे 5, एक्स इज -1 एंड वाई इज 5, तो अब ये जो हमने 4 पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, क्या ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, आपको नजर आ रही है ये चीज़। जी सर आ रही है। तो आप इनको एक स्ट्रेट लाइन की मदद से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो इट मींस दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन दैट वी हैव प्लॉटेड इन दैट ग्राफ। हमने जिस इक्वेशन से ये पॉइंट्स निकाले हैं, ये लाइन एक्चुअली उसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, समझे। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन 2x + y = 3। अब ये जो पॉइंट्स लिए हमने, इसमें एक्स और वाई खुद ही कंसिडर किए ना बेटा, तो हम कोई भी एक्स और कोई भी वाई लेंगे ना इसमें, तो वो इसी तरीके की एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी, जिसकी जो इसी तरह की नजर आएगी आपको। क्लियर है ये बात। जी सर, अब आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करना होता है, जो कि है आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है इक्वेशन को। तो वो कैसे करते हैं, दो इक्वेशंस दी जाती हैं उसमें असल में, ठीक है। अब वो दोनों इक्वेशन आप इसी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, ठीक है। आपने एक इक्वेशन जैसे प्लॉट कर दी,
इसी तरह आप दूसरी भी प्लॉट कर दें। अब अगर लेट सपोज वो दूसरी इक्वेशन जो है वो इस तरह जा रही है, सर दूसरी इक्वेशन कौन सी? लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि कोई एक इक्वेशन और दे दी आपको, दो इक्वेशन दी जाती है ना साइमल्टेनियस वाले में, पढ़े हैं वो सवाल या नहीं पढ़े आपने? आई डोंट थिंक पढ़े हैं सर। आई गेस ये चैप्टर 2 में है, 2 या 3 में किसी में है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। सर हमने जो ग्राफ्स थे ना इसमें हमने बहुत दो तीन करे थे, इतने ज्यादा भी नहीं करे थे, फिर हमने अच्छा वापस कर दिया था। अच्छा अच्छा तो ये बताओ अभी फिलहाल ये एक इक्वेशन कैसे प्लॉट की, ये समझ में आया? जी सर ये समझ आ गया। अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसी ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ आपके सामने है ना, ग्राफ मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है, आपको मैं एक और इक्वेशन दे दूं और आपसे कहूं कि भाई आप इसको भी प्लॉट करें, आप कर लेंगे अब? सर पता नहीं शायद कर लें। अच्छा तो ये तो पहले आप जो है ना वो चूंकि मैंने एक आपको प्लॉट करके दिखाई है ना इक्वेशन जैसे मैंने की है, एक अटैम्प्ट कीजिएगा कि इसको करें, ठीक है, ट्राई करें इसको सॉल्व करने की। ओके अच्छा सर। मैं अभी ना आपको कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, बल्कि आप खुद ही अपनी एक्सरसाइज देख लीजिएगा जिनमें ये क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है, वरना मैं अभी आपको एक आध क्वेश्चन और लिख भी दूंगा इससे ही सवाल का। तो लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना वो है दूसरी टाइप की इक्वेशन है जिसपे अब हम बात करेंगे, वो है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और इसमें लीनियर इक्वेशन में फर्क क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि भाई लीनियर इक्वेशन जब भी होगी पावर 1 होगी एक्स और वाई की, और इसके अंदर जो है वो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ में तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगी, जैसे अभी आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन बनी। ये बात समझ आ गई? जी सर आ गई। बस अब आपके पास कहीं पे भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी तो एक लीनियर इक्वेशन होगी, प्लॉट करोगे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये बात तय है, ठीक है। अब इसी तरह जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास तो उसकी कौन सी फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है? जब भी इसके ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे हमेशा इक्वेशन इस फॉर्म में दी जाएगी। सर इसके बाद क्या फिर से ज्वाइन करना है इस क्लास के बाद? इस क्लास के बाद फिर से ज्वाइन करना है? हाँ बेटा करना पड़ेगा, वो अभी मीटिंग वाइंड अप हो रही है, फिर हम दोबारा से भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा एक और, क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक के अभी ग्राफ आपको समझने हैं, ये लीनियर का आपने समझा है अभी तक, ठीक है। तो बल्कि मैं ओके ऐसा कर रहा सर। हूँ, बात सुने, मैं अभी इसको एंड कर रहा हूँ और क्वाड्रेटिक फिर हम नई मीटिंग के अंदर जो है वो डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। सर लिंक भेज दिएगा। मैं अभी भेज रहा हूँ बेटा।